सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, एक तरफ क्षत्रिय आज खत्म होने के कगार पे हैं, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय बामाशाह जिनके पास जमीनें बची हुई हैं वो सरकार को जमीनें पे जमीनें बांटते जा रहे हैं। तो भाइयों, ये खबर आई है बाड़मेर से। बाड़मेर के चौहटन जिला अस्पताल के लिए दानदाता हेम सिंह परिवार के सदस्य जिसका नाम है रूप सिंह राठौड़, उन्होंने अपनी 32 बीघा जमीन सरकार को दान कर दी। इसकी कीमत 8 करोड़ है। राठौड़ जी से पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय ही क्यों दान करते हैं? क्या दूसरी जाति के लोग दान ही कर सकते? क्या बदले में क्षत्रियों को मिलता गया है इस देश से? इस देश में जो आरक्षण लेते हैं वो जमीन ही दान कर सकते? क्या जो मंदिरों में पैसे खाते हैं वो जमीन ही दान कर सकते? क्या जो व्यापार करते हैं वो जमीन ही दान कर सकते? क्या सिर्फ क्षत्रिय ही क्यों दान करते हैं? आज से हजारों सालों से, छोड़िए 1947 से, क्षत्रिय दान पे दान करते जा रहे हैं। तो लोगों के पास ज़मीनें आई हैं, आज क्षत्रियों के पास ज़मीनें कितनी बची हैं पूरे देश में? 10-15%, कभी 85-90% थी और बाकी लोगों के पास 10% थी। आज सबके समान बना दिए क्षत्रिय, और जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हैं वो भी ज़मीनें बेच रहे हैं। क्षत्रियों का उसी क्षत्रिय का समान होता है आज के टाइम, क्षत्रिय क्या उसी इंसान का समान होता है जिसके पास जमीन हो, पैसा हो, उसका समान होता है। उसके अलावा किसी का समान आज के ज़माने में नहीं होता। अगर क्षत्रिय के पास जमीन नहीं ना बचेगी तो उसका समान भी नहीं बचेगा। आपने 32 बीघा जमीन बेच दी, उसके बाद आपके वंश से आगे जाकर कितनी ज़मीन बचेगी आपके पास? और कोई जात नहीं रखेगा। हमने अपनी रियासतें दान कर दी 1947 में पूरे देश में, उसको नहीं कोई याद रखता, तो ये 32 बीघा जमीन को कौन याद रखेगा? तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों से यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी जमीन को बेचो नहीं, जमीनें खरीदो। जमीनें होगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, वरना तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, आप सभी स्कैन करके आप सभी जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।